टेस्ट करते हैं, क्योंकि हम 100 डिग्रीज रिसर्च लेबोरेटरी, तो वीडियो टेस्ट हम करते हैं, तो जो अगर वीडियो टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो उसकी कंफर्मेशन के लिए एक टेस्ट बोल दिया जाता है जिसको FTA एंटीबॉडीज बोलते हैं। FTA फ्लोरोसेंट ट्रैकोनेमल एंटीबॉडीज एब्जॉर्प्शन टेस्ट।
स्टार्ट करना होता है, तो अगर अगली सिकनेस है तो उसमें हम क्या देंगे, इंजेक्शन बेंजाथिन पेनिसिलिन।
जेनाइटल्स एरिया है या फिर जो यूरिनरी ट्रैक्ट की जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें इन्फ्लामेशन कोज करता है, ये बैक्टीरिया। और मेनली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, ठीक है। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है। इसके साइन सिम्टम्स क्या होते हैं? इसके साइन सिम्टम्स हम देखते हैं तो वल्वोलाइटिस हो सकता है, ठीक है, वेजाइनल डिस्चार्ज हो सकता है, या फिर इन्फ्लामेशन हो सकता है, ठीक है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस और भी डिजीजेस हो सकते हैं इसकी वजह से, और अदर पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीज या फिर पुरुलेंट एक्सुडेट डिस्चार्ज हो सकता है सर्विस में से, ठीक है। और लोअर एब्डोमिनल पेन या फिर ड्यूरिंग फ्रीक्वेंसी इसमें देखी जाती है, ठीक है। अब इसके इन्वेस्टिगेशन में इसका जो इन्वेस्टिगेशन है वो प्रीनेटल एग्जामिनेशन में हम करते हैं। इनिशियल जो प्रीनेटल एग्जामिनेशन है उसी में हम इसका इन्वेस्टिगेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जो यूरेट्रा एंड सर्वाइकल स्मीयर लेके हम उसको देखते हैं, तो उसमें हमें डिप्लोकोकाई दिखाई देगी, ठीक है, ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई। ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकाई बैक्टीरिया उसमें हमें दिखाई देंगे जो इस यूरेट्रल और सर्वाइकल स्मीयर किया है उसमें, ठीक है। या फिर और उसके बाद में और अगर जो हाई रिस्क केसेस है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी, उसमें हम थर्ड ट्राइमेस्टर में भी वापस हम ये टेस्ट रिपीट करते हैं, ठीक है। अब इसके कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं, तो कॉम्प्लिकेशन हम देखेंगे। कॉम्प्लिकेशन में इसमें क्या हो सकता है, फिटर लेबर हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, या फिर आर्टिफिशियल रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, या फिर इंट्रायूटेराइन डेथ हो सकती है, ठीक है, या फिर इंट्रापार्टम या फिर पोस्ट पार्टम इन्फेक्शन, अदर इन्फेक्शन भी इसकी वजह से हो सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा डिसमिनेटेड इन्फेक्शन हो सकता है, मतलब इन्फेक्शन और अदर मतलब अदर ऑर्गन्स में भी फैल सकता है, जैसे कि आर्थराइटिस कोज हो सकता है इसकी वजह से, ठीक है, आर्थराइटिस, मेनिनजाइटिस, एंडोकार्डाइटिस या फिर पेरिहेपेटाइटिस, ये सब इसकी वजह से कोज हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में बेबी में कैसे होगा ट्रांसफर, या बेबी को कैसे इफेक्ट करेगा, तो बेबी में ये ड्यूरिंग डिलीवरी ट्रांसफर होता है। अगर बेबी जो इन्फेक्टेड बर्थ कैनाल के थ्रू जब बेबी पास होता है ड्यूरिंग लेबर, उस समय ये बेबी को इन्फेक्ट करता है। तो अगर बेबी इन्फेक्ट होता है तो उसकी वजह से बेबी में एक कंडीशन या फिर एक कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो जाती है जिसको ऑस्ट्रेलिया न्यूनेट्रम बोलते हैं।
फिर इसके अलावा एक और मेडिसिन है सेफ्टिनोमाइसिन। सिल्वर नाइट्रेट से, तो 1% सिल्वर नाइट्रेट